हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आज झारखंड में फैसले का दिन है, कौन बनेगा झारखंड का मुख्यमंत्री, इसका फैसला करीब करीब हो चुका है। विधानसभा चुनाव के नतीजे, जो शुरुआती नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान जो सामने आ रहे हैं, उसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हाँ, झारखंड में कुल 81 सीटों में से 43 पर गठबंधन जो है आगे चल रहा है। हम आपको बता दें कि बहुमत के लिए कुल 41 सीटें होनी चाहिए, लेकिन जो गठबंधन है जेएमएम के नेतृत्व में, जो गठबंधन है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का, उस कुल 43 सीटों पर आगे चल रहा है। इस तरह जेएमएम गठबंधन जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं बीजेपी महज 29 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जेबीएम 4 सीटों पर और आसू पार्टी जो है वो महज 2 सीटों पर आगे चल रही है। एक तरह से जो शुरुआती रुझान है उससे ये साफ हो गया है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पूर्वी जमशेदपुर से। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास सरयू राय से भारी मतों से पिछड़ चुके हैं और उनका हारना तय माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि झारखंड का इतिहास रहा है कि पिछले 19 सालों में कोई भी मुख्यमंत्री जीतकर दोबारा नहीं गया है और शायद ये इतिहास जो है झारखंड आज फिर दोहराने जा रहा है। बताया जा रहा है कि रघुवर दास, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास सरयू राय से भारी मतों से पिछड़ गए हैं और सरयू राय लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनका पीछा करना रघुवर दास के लिए अब करीब करीब नामुमकिन हो चुका है। हम आपको बता दें कि चौथे राउंड के बाद रघुवर दास सरयू राय से भारी मतों से पिछड़ चुके हैं। जी हाँ, सरयू राय जो चुनाव के पहले तक बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन रघुवर दास ने उनका टिकट काट दिया था, जिसके बाद गुस्से में सरयू राय ने उनके खिलाफ ही ताल ठोककर पूर्वी जमशेदपुर से चुनाव मैदान में उतरा और उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला। अपार समर्थन अब वोटों के जरिए भी जनता ने किया, अपार समर्थन वोटों के जरिए भी जनता ने उनमें दिखाया। और हम आपको बता दें कि उनकी सभाएं में बड़ी संख्या में लोग जन सैलाब के रूप में उतरते थे और मैं खुद उसका गवाह था। मैं खुद पूर्वी जमशेदपुर गया था और सरयू राय का इंटरव्यू भी किया था और सरयू राय ने हमसे बातचीत में कहा था कि रघुवर दास के पास बीजेपी का कवच कुंडल है, लेकिन उस कवच कुंडल को भी हम भेद देंगे क्योंकि हमारे साथ जनता है और बीजेपी के वही कार्यकर्ता जो बीजेपी के लिए खड़ा होते हैं आज मेरे साथ खड़े हैं। तो रघुवर दास के लिए कहा जा रहा है कि अब जितना मुश्किल हो चुका है। हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड के जो चुनाव नतीजे हैं वो धीरे धीरे पूरी तरह से गठबंधन के पक्ष में जा रहा है और बीजेपी को एक और स्टेट से इसके साथ ही हाथ धोना तय हो गया है। इस बात के संकेत शुरुआती रुझान में मिल चुके हैं कि झारखंड में इस बार जो है बीजेपी की वापसी नहीं हो रही है और गठबंधन जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार वहां बनना तय हो चुका है।
हम आपको बता दें कि झारखंड के 24 जिलों में आज सुबह से ही मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान जो आए थे उसमें इस बात के संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी और जेएमएम गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया महागठबंधन की स्थिति जो है मजबूत होती चली गई। मौजूदा वक्त में गठबंधन जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में है और वह बीजेपी से काफ़ी आगे निकल चुका है। राजनीतिक पंडित अब ये साफ कर चुके हैं कि द्वारा जो है बीजेपी की वापसी अब असंभव हो गई है, इवन कि मुख्यमंत्री रघुवर दास का भी चुनाव हारना करीब करीब तय हो चुका है। हम झारखंड के उन 7 सीटों के बारे में भी आपको बता दें जो बेहद हॉट सीट हैं, उन 7 सीटों पे भी जो है चुनाव नतीजे आगे बढ़ रहे हैं, वोटों की गिनती हो रही है और इस सीट की क्या स्थिति है ये हम आपको बताते हैं। झरिया सीट से बीजेपी की रागनी सिंह, धनबाद सीट से राज सिन्हा आगे चल रहे हैं, वहीं धनवर से जेबीएम के बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं, रांची से बीजेपी के सीपी सिंह आगे चल रहे हैं और सिल्ली से आसू के सुदेश महतो आगे चल रहे हैं, जामताड़ा से कांग्रेस के इरफान अंसारी भी आगे चल रहे हैं। हम आपको यहाँ ये भी बताते चले झारखंड के सभी 81 सीटों के चुनावी रुझान सामने आ चुके हैं। जेएमएम के हेमंत सोरेन इस बार 2 जगह से चुनाव लड़े हैं और जो अभी खबरें मिल रही है वो ये मिल रही है कि दोनों ही सीटों पर, दुमका और बरहेट दोनों ही सीटों पर हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि कुछ देर पहले तक ऐसी खबरें थी कि दोनों सीटों पर ही हेमंत सोरेन की स्थिति इस बार भी खराब है, लेकिन अब जो चुनाव आयोग की ओर से अपडेट मिले हैं उसके मुताबिक दोनों सीटों से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, दुमका से भी और बरहेट से भी। और इस बीच हेमंत सोरेन की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। हम आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि बीजेपी हमेशा ही जनता को लाइन में खड़ी करने वाली रणनीति पर चलती है और यही रणनीति उस पर भारी पड़ी है। कभी नोटबंदी तो कभी NRC CA बिल जैसे गलत मुद्दों को उछालकर बीजेपी जनता को मजबूर करती है लाइन में खड़ी होने के लिए और यही वजह है कि उसे हार का सामना करना पड़ा है। हम आपको फिर बता दें कि हेमंत सोरेन का अब झारखंड का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।